उनको फ्री का किल जो है देना चाहेंगे तो वो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रैब कदम बजे, क्योंकि ऑलरेडी वो लीड पर चल रहे, उनको अपना जो लीड बरकरार रखना है। डायनामो की बात कर ले जाए, प्ले को पिक ऑफ करके कोशिश बट साथ रहने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पे गॉर्डन क्रो के प्लेयर्स को भी एलिमिनेट करा जा रहा है। टीम डायनामो हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ टू डोमिनेट ओवर यू नो टीम आर्थर। टीम आर्थर की बात कर ले जाए, वेल वो दूसरी तरफ हमें देखने के लिए आ रहे हैं, पे देखने के लिए मिल रही है जो फाइट्स हैं वो भी यहाँ पे चलते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड वेल एक बार के लिए देख लीजिए डायनामो की टीम जिस पोजीशन पे है ब्लैक डॉट, वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रिस्की पोजीशन रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ हमारे टीम मैनेजमेंट देखने को मिल रही है, टीम आर्थर देखने को मिल जा रहा है, यूटिलिटीज का डेफिनेट इस्तेमाल करा जा रहा है, बट कब तक डैमेज आउटसाइड द प्ले जोन भी है। सूर्या यहाँ पे व्हीकल से नीचे गिरे, गिरा वाइटी को एक्सप्लोजन से यहाँ पे लाइक मिड आउट पोजीशन पे डाला गया। आखिरी चार टीम एवर्टेड जिसमें एक टीम आपको देखने मिल सकती है, टीम नियॉन है, साथ ही साथ रिजर्व को यहाँ पे पिक किया, व्रात को कंफर्म करेंगे एंड टोटल 7 कंफर्मेशन के साथ नियॉन यहाँ पे टॉप 4 में अपना दबदबा बनाते नजर आ रहे हैं। वेल एग्जैक्टली देख लीजिए यहाँ पे काफी ज्यादा प्यारा ग्रेनेड हो सकता है, और वेल अगर वो ग्रेनेड थोड़ा सा आगे होता तो डेफिनेटली टीम नेड जो है वो भी एलिमिनेट होते मिल सकते हैं। बबलू की बात कर ले जाए यहाँ पे आइसोस्कोप ऑफ करते मिल जाएगा। टीम डायनामो की बात कर ले जाए तो देख लीजिए एक बार के लिए बिना बिना चिकन डिनर के काफी ज्यादा करीब रहने वाले हैं। दिस कैन बी अ पोटेंशियल विन इन साइड द सर्कल, क्या लगता है आपको आपके हिसाब से ब्लैक डॉट क्या एक बार के लिए टीम नेड को एलिमिनेट कर पाएंगे यहाँ पे डायनामो की टीम? देखिए एडवांटेज तो है मैन पावर का, लेकिन हमने टीम नेट को भी देखा है यहाँ पे दो प्लेयर्स के साथ भी डोमिनेशन मचा जाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मिडवाइल एयर पॉइंट का एडवांटेज यहाँ पे टीम नेट के पास में रहेगा। बारी तो डायनामो, ये कहीं ना कहीं जुगलबंदी चल रही है इनकी, ऊपर जाए तो जाए कैसे, साथ ही साथ मुझे लग रहा है एक और खिलाड़ी है उनकी टीम से, वेल वो भी यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं। स्प्रे गॉड की बात करें, कंप्लीट अपनी नजरें जो है डायनामो की टीम के ऊपर बना के रखेंगे, बिकॉज दे नो यहाँ पे वो टीम सर्कल के अंदर आने की कोशिश करेगी एंड यही वो मौका है जहाँ पे वो टीम को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। साथ यहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं व्हीकल के काफी करीब है, एक यहाँ से ट्रेबल्स का इस्तेमाल साथ की तरफ किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई कनेक्शन ये ट्रेबल यहाँ पे बना नहीं पाएगा। बबलू भी आपको देखने मिल सकते हैं काफी आराम से बैठे हुए, वो चाहते हैं कि ये दोनों टीमें पहले फाइट कर लें ताकि #3 से एटलीस्ट #2 का पोजीशन यहाँ पे मिल जाए, तो बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। आप देखिए बिल्कुल सेफली यहाँ पे बैठे हुए, उनको पता है सामने दो टीमें जो बैटल करेगी, एंड इनडायरेक्टली उसका फायदा जो है यहाँ पे बबलू की टीम को मिल सकता है। वेल एग्जैक्टली यहाँ देख लीजिए एक बार के लिए यहाँ पे ऋषभ यहाँ पे टीममेट को वही कहते हैं मिलेंगे कि आप आराम से रुकिए, सबर करिए, सबर का फल मीठा ना सी, एटलीस्ट सेकंड पोजीशन तो डेफिनेटली हमें देखने के लिए मिल सकता है। स्प्रे गॉड का यहाँ पे नॉकआउट फाइनली कर लेंगे, बबलू की बात कर ले जाए मौके पे यहाँ पे चौका मार देने को मिल जाएगा, बट उनके ऊपर भी यहाँ पे शॉट से लिए जा रहे हैं, इतना आसान नहीं बबलू के लिए भी रहने वाला है। बट देख लीजिए यहाँ पे मोलोटोव ग्रेनेड का इस्तेमाल यहाँ पे करते हुए मिल जा रहे हैं, नियॉन को भी यहाँ पे जगह जो है नहीं मिल रही है। बबलू का एलिमिनेशन प्ले जोन के द्वारा होगा यहाँ पे, किसके द्वारा होगा देखने वाली बात बनती है। बट वेल देख लीजिए बबलू यहाँ पे नॉकआउट कर लेगा, डायनामो की बात कर लीजिए वेल वो भी निकाल चुके, बबलू यहाँ पे बिना बिना चिकन डिनर निकालते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके नहीं, ओके नहीं, आई डोंट हैव द क्लू, आई हैव नो क्लू ऑन टू दैट पॉइंट कि हुआ क्या है। जहां तक मुझे लग रहा है बबलू ने निकाला, तो डेफिनेटली टीम डायनामो के पास में था। एंड लीजिए ये लीजिए गाइस, यहाँ पे टीम डायनामो थी जिन्होंने चिकन निकाला है। डेफिनेटली बबलू ने भी काफी बढ़िया कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।